दो स्ट्रॉन्ग टीम्स होंगे आमने सामने, एक तरफ है दिल्ली, दूसरी तरफ है चेन्नई। क्वालिफायर वन दुबई में खेला जाएगा। हर्षा भाई मैं आपको एक बार स्क्वाड दिखा देता हूँ, बिकॉज हमने रविंद्र जडेजा की बात करी थी और चर्चा यही हुई थी कि क्योंकि फॉर्म में है और मोइन अली फॉर्म में नहीं है, धोनी साहब फॉर्म में नहीं है, बल्ले के साथ रायना साहब को खिला नहीं रहे हैं, सो इज देयर अ केस फॉर जडेजा मूविंग अप द ऑर्डर इररिस्पेक्टिव जो सिचुएशन है? शायद, लेकिन एमएस उसका ख्याल नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे उसके बारे में, क्योंकि वो सिचुएशन के मुताबिक कप्तानी करते हैं। वो पहले सोच के नहीं जाते कि आज मैं रविंद्र जडेजा को ना शायद आज चलो चार पे ट्राई करते हैं, वो सिचुएशन के मुताबिक। आप देखिए उस टीम में छह लोग पैड पहन के बैठे नजर आएंगे आपको, कि अगर 12वें ओवर तक ओपनिंग पार्टनरशिप गई तो फिर क्या मैं क्या करूं, अगर तीसरे विकेट तीसरे ओवर तक गई तो मैं क्या करूं। मुझे लगता है जो पहले चार होंगे ना वो शायद फिक्स्ड होंगे, लेकिन वो तीन नंबर का उनको सॉल्व करना पड़ेगा उनको, क्योंकि या सुरेश रैना के नहीं रन बन रहे थे, फिर उन्होंने रॉबिन उत्तपा को ब्रेक दिया, रॉबिन उत्तपा के रन नहीं बन रहे हैं, बहुत सालों से खेलते आ रहे हैं, उतना डोमेस्टिक भी खेलते नहीं है आजकल। तो वो पहले तीन चार जो होते हैं ना वो आपके फिक्स होने चाहिए। तो मुझे लगता है दोबारा अगर मोइन अली को आप तीन नंबर पे भेज ही दो, राइडू को आप चार पे भेजो, और उसके बाद देखो क्या परिस्थिति है आपकी। अगर 12-13 ओवर हो चुके तो आप भेज दीजिए रविंद्र जडेजा को पहले, तो वैसे वो कैप्टनसी करेंगे, वो पहले सोच के नहीं उतरेंगे मैदान में उनकी। तो मैंने सुना है कि टीम मीटिंग, आशु को ज्यादा पता होगा, टीम मीटिंग सीएस चेन्नई की 2 मिनट की होती है, 1.5 मिनट स्टीवन फ्लेमिंग बात करते हैं, 30 सेकंड धोनी भाई चाय पी के निकलते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट। आशु भाई देखिए टीम मीटिंग जो है ना वो आप एक जब पूरी टीम बैठी होती है वो आप इस T20 में ना जितना मर्जी आप डीप करते रहिए वो मीटिंग कभी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए महत्वपूर्ण क्या होता है कि एमएस धोनी ना खिलाड़ियों से अपने कमरे में बात करते रहते हैं, दरवाजे खुले हैं, चाय पीजिए, दूसरे का मैच चल रहा है देख के बात करते रहिए, क्योंकि कप्तान के लिए हमेशा मेरी ये सोच है ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि मेरा जो खिलाड़ी है वो खेल किस तरीके से देखता है। कोच के लिए भी उसी प्रकार बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो भी देखे कि मेरा खिलाड़ी किस तरीके से वो खेल को देखता है, तो वो मैसेज वैसे पास करते हैं। बाकी इतना सारा जो सपोर्ट स्टाफ है ना वो मीटिंग और काम वो करते रहते हैं, पर जब मैच से पहले कोई नहीं चाहेगा कि आप 45 मिनट एक घंटे की मीटिंग कीजिए, थोड़ी बहुत गुफ्तगु कीजिए और आप एक बेसिक प्लान अपना जरूर बिल्कुल चला बना के जाते हैं, जैसे हर्षा भाई ने कहा ना कि ऊपर के तीन या ऊपर के चार, उसके बाद चाहे आप गेंदबाजी कर रहे हैं चाहे बल्लेबाजी कर रहे हैं परिस्थितियों के अनुसार फिर आपको अपनी जो रणनीति है प्लानिंग है वो बदलते रहना पड़ता है ना। अगर आपने पहले से ये फिक्स कर लिया कि अच्छा भाई ये जो बल्लेबाज है ना ये नंबर 6 पे आता है और ये बड़े घुमाता है, ये आएगा ना इसको आउटसाइड ऑप्शन यॉर्क के लिए डालनी है, इसको स्लोरमैन डालनी है, पर अगर 20 पे 4 आउट हो गए हैं और उसकी बारी 5वें ओवर में आ गई है तो गेंदबाज अगर यॉर्कर और स्लोरन पे उसके खिलाफ चला जाएगा सीधा आउट होने को तो हो सकता है, तो मैं कहूंगा गलत सोच है कि अभी तो आया है कि दबाव में वो है तो आप उसको अलग तरीके की गेंदबाजी करें, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी फॉर्मेट में और T20 में तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा। अशोक भाई क्विकली जो जडेजा ने जिक्र किया उनको बल्लेबाज के तौर पर मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस मैच में पहले 5 विकेट गिर गए थे उनके पावर प्ले में आपको याद होगा बंबई के खिलाफ जो खेले थे 4 आउट हुए थे राइडू इंजर हुए थे, उस मैच में जडेजा ने 33 गेंदों में 26 रन बनाए थे, बाद वाले मैच में 8 गेंदों में 22 रन बनाए, ये आपको दर्शाता है कि ये खिलाड़ी दोनों टाइप के नहीं खेल सकता है जो आपको जरूरी है। तो मुझे लगता है कि T20 में फ्रेंचाइज में 5 नंबर पे खेलने के लिए वो तैयार है अगर वो सिचुएशन वैसे आती है। So then, आशु भाई, if रविंद्र जडेजा मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो 5 पे खेलें, रॉबिन उथप्पा खेल सकते हैं तैयार है, रॉबिन उथप्पा का चयन या सुरेश रैना का चयन करना फिर पॉइंट नहीं है अगर आपका 1-2-3-4 इज ऑलरेडी देयर? नहीं देखिए अगर सुरेश रैना फिट है तो सुरेश रैना रॉबिन उथप्पा से पहले आपको खेलते हुए देखेंगे जितना मैं एमएस धोनी और सीएसके को जानता हूँ, जो सही बात भी है। ऐसा नहीं कि रॉबिन उथप्पा खराब खिलाड़ी है या उनके पास कोई अनुभव नहीं है, काफी अनुभव है उनके पास, पर टीम इस तरीके से बनी हुई है तो वो पक्का आपको देखेंगे सुरेश रैना का इस्तेमाल करते हुए। हो सकता है कि नंबर 3 मोइन अली नंबर 4 आपको सुरेश रैना दिख जाए अगर विकेट थोड़ी ज्यादा जल्दी गिर जाए, तो वो जिस तरीके से खेल चलेगा जिस तरीके से पिच चलेगा वो आपको कल शाम को ही ज्यादा देखने को मिलेगा, पर दोनों में से मैं सुरेश रैना को पहले खिलाऊंगा अगर वो फिट है तो, उसमें तो कोई मतलब सोचने वाली बात ही नहीं। हर्षा भाई दिल्ली की टीम आपको एक बार दिखा देता हूँ, दिल्ली की टीम में वहाँ पे मार्कस टॉनर साहब के बारे में अभी पता नहीं है whether he's fit or not, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि he's not fit for this one. सर क्योंकि अभी स्टीवन स्मिथ बाहर है एंड यू वुड जो हमने बात करी थी एट द स्टार्ट ऑफ द शो ऑल्सो कि वो जो स्लो लेफ्ट आर्म यू नो पेस गेंदबाज टेक पेस ऑफ द बॉल, रिपल पटेल आपके हिसाब से उस लिए अभी भी उस टीम में रहेंगे इस टीम में? क्योंकि उनका एक रेपुटेशन बना है कि गुजरात के लिए बड़े हिट लगाते हैं वो, कि गुजरात के लिए जब खेलते हैं वो 170-180 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, ये अलग टूर्नामेंट है, लेकिन अगर यहाँ पे वो आखिरी कुछ गेंदों में 1-2 बड़े हिट लगाते हैं तो फायदा है।
मुझे लगता है अगर ये 170 वाली मैच हो ना, 170-175 जहां आपको छठे बॉलर की शायद जरूरत पड़े तो शायद वहां पे वो रिपल पटेल को खिलाएं, लेकिन अगर उनको लगा कि 135 वाली मैच है, 135-140 वाली मैच है, तो फिर शायद वो स्टीव स्मिथ को खिलाएं। क्योंकि अगर स्टीव स्मिथ खेलते हैं पहले तो देखिए ओपनर्स है, फिर स्टीव स्मिथ है, ऋषभ पंत है, अय्यर है, उनके पास पहले पांच छह में बॉलिंग नहीं है कोई, तो फिर इसका मतलब आप सिर्फ पांच बॉलर के साथ खेल रहे हैं। तो अगर 170 वाला मैच है तो रिपल पटेल को खिलाएंगे, शायद फिर दोबारा ललित यादव को ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं एक बार इंप्रेस हुआ था जब मैंने पहली बार ललित यादव को देखा था। तो अगर उस किस्म का ग्राउंड हो तो मुझे लगता है वैसे ही खेलेंगे। सिर्फ एक बात इसमें रहेगी हर्षा भाई देखने वाली कि रविचंद्रन अश्विन भी है, क्योंकि कल रिपल पटेल साहब ने 3 ओवर भी कर दिए, तो एज ए कैप्टन ना बतौर कप्तान आपका माइंड चलने लगता है वहां पर। रविचंद्रन अश्विन को मेरे तो सिर्फ यही सुझाव है ऋषभ पंत को कि कल तो आपके पास वहां लेफ्ट हैंडर भी है, चाहे वो मोइन अली है, चाहे वो सुरेश रायना है, नीचे रविंद्र जाडेजा भी है, और ऐसा नहीं है रविंद्र जाडेजा माफ कीजिएगा रविचंद्रन अश्विन राइट हैंडर को गेंदबाजी नहीं कर सकते, हमने देखा है। तो उनका इस्तेमाल अगर उन्हें आप खिला रहे हैं तो उनका इस्तेमाल आप जितना बेस्ट हो सके वो करने को देखें, और अगर आपको लगता है कि मेरे को स्पिनर नहीं चाहिए तो आपके पास जैसे हमने पहले चर्चा करी कि अमित मिश्रा है, जो मुश्किल डिसीजन रहेगा पर फिर भी आपके पास विकल्प है, क्योंकि अगर रविचंद्रन अश्विन जैसे जो खिलाड़ी है ना, एक आधी बार ठीक है कि कभी हमने देखा है बॉम्बे में, बेंगलोर में एक पिच अलग होती है और गेंद बिल्कुल गीला है, यहाँ पर आप दुबई के ग्राउंड की बात कर रहे हैं, बड़े ग्राउंड की बात कर रहे हैं कि वो आपको विकेट्स निकाल के दे सकते हैं, तो वो कल एक देखने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार ऋषभ पंत रविचंद्रन अश्विन को बैक करते हैं। फाइनल क्वेश्चन सर, में ना बड़े बड़े ग्राउंड्स का बड़ा असर पड़ा है, आप देखिए कितनी बार 70 मीटर के हिट पे आउट हुआ है बैट्समैन, अब सारे छक्के इंडिया में, कोटला देखिए, चिन्नस्वामी देखिए, वानखेड़े देखिए, हर ग्राउंड पे वो 70 मीटर की हिट सिक्स होती है। तो इसीलिए जो कह रहे हैं कि आप अश्विन को खिलाइए, क्योंकि अगर आपकी मिड विकेट की 70-75 मीटर की बाउंड्री है तो वो आप खिला सकते हैं वैसे आप। और दोस्त आप अपनी टीम बनाएंगे ना, जरा सोच समझ के टीम बनाइएगा, हमारे शो को दो बारी देखिए, अच्छी तरह सुनिए हर्षा भोगले और आशीष नेहरा को, और उसके बाद जाइए mylevencircle.com पर, जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप को डाउनलोड करने के बाद चुनिए मैच, मैच है दिल्ली बनाम चेन्नई, मुकाबला खेला जाएगा दुबई में, और आपको मौका मिलेगा 1 करोड़ की राशि अपने नाम करने का।